दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीसी सफर में। गाइज मैं 8 मंथ स्टडी टाइम टेबल मैं फॉर द फ्रेशर्स के लिए मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। ये जो टाइम टेबल स्टार्ट होगा वो 20 अक्टूबर 2017 से लेकर 2 जून 2018 तक चलेगा। ये टाइम टेबल को कुछ रीशेड्यूल करना पड़ा बिकॉज कुछ तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी, जिस वजह से फिर पहले जो 10 अक्टूबर रखा था, लेकिन क्या कह सकते हैं, हेल्थ के मामले में अभी कुछ नहीं कह सकता। तो 20 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। इसमें हम विद टारगेट्स देखेंगे, कोशिश करेंगे, और ये वीडियो जो होगी इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम दोनों के लिए ठीक ठाक रहेगी। मैं वर्किंग एक्सपीरियंस जो प्रोफेशनल हैं जो जॉब कर रहे हैं साइड टू साइड कहीं पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम के लिए भी मैं एक टाइम टेबल बनाऊंगा इस सीरीज के बाद। विद इन 48 आवर्स के अंदर मेरा प्रॉमिस है मैं आप लोगों को लाइव कर दे दूंगा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा वर्किंग एक्सपीरियंस वाले, डेफिनेटली आपको भी टाइम टेबल मिल जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, अगर 8 मंथ का टाइम टेबल जो एस्पिरेंट्स जो फ्रेशर्स एस्पिरेंट्स हैं जो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है भाई पढ़ाई कंप्लीट होगी अब लगना है दिवाली के बाद से लगना है बिकॉज 19 तारीख की दिवाली उसके बाद से, डेफिनेटली काफ़ी मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स होंगे वो लग जाएंगे इस फील्ड के अंदर। तो देखिए जिस वजह से 20 अक्टूबर मैंने रखा, और दूसरी बात ये है कि देखिए वैसे ही एक जज्बा चाहिए पढ़ाई के लिए। आप ये मत सोचिए कि आप लेट हैं, अभी बहुत टाइम है, इनफ टाइम है, ऐसा कुछ नहीं है, क्रैक बड़े ही प्यार से हो सकता है। तो इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें आपको निकल के आएंगी। अगर मैं बात करूँ देखिए टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करते हैं, लेट सपोज अगर आप फॉलो करते हैं तो देखिए इसके अंदर आप, मैं पहले कंक्लूजन बता रहा हूँ उस पूरी वीडियो का जो चलेगी अभी कुछ आधा पौना घंटा। देखिए आप हिस्ट्री 6 टाइम फिनिश करेंगे अगर आप ये टाइम टेबल विद टारगेट स्टडी के साथ करते हैं विद इन 8 मंथ के साथ। बिल्कुल एक बोलते हैं ना जिसको एक जेन्युइन टाइम टेबल के हिसाब से बिल्कुल सेट टारगेट वो ही रखें जो एक जेन्युइन हो। मैं फेक चीज़ पे बिलीव नहीं करता, तो ये इजीबल है, चेजेबल है, बड़े ही प्यार से चीज़ें हो जाएंगी। पॉलिटी 5 टाइम फिनिश करेंगे, इकोनॉमिक 6 टाइम हम इसमें फिनिश करेंगे, ज्योग्राफी 5 टाइम, इन्वायरमेंट 5 टाइम, इकोनॉमिक सर्वे 3 टाइम, सीसेट भी है, करंट अफेयर भी है, मेंस भी है, और काफ़ी कुछ है, योजना कुरुक्षेत्र सारी मैंने इसमें जो है कंप्लीट कर, टेस्ट सीरीज़ भी मैंने साथ टू साइड मैंने इसमें इंक्लूड करी है। तो जिस वजह से जो सीरियस एस्पिरेंट्स है वो टाइम टेबल को देखें। एक चीज़ और, कुछ लोगों को अगर टाइम टेबल नहीं भी समझ आता तो मेक योर ओन टाइम टेबल, ट्राई टू गेट दिस, आप यहाँ से सिर्फ एक आइडिया लें थोड़ा सा और उसके बाद अपने हिसाब से भी खुद भी टाइम टेबल बना सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी टाइम टेबल को फॉलो करें, ऐसा कुछ नहीं है यार, जैसे एक आइडिया प्रोवाइड कराना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। एक चीज़ और कि देखिए सर, इट्स नॉट अ टाइम टेबल, इट्स अ मंथली टारगेट। आप ये भी कह सकते कि हाँ एक बड़ा भाई बैठा है यूट्यूब पे, आपको मंथली टारगेट सेट करके दे दिया, यार देखो 2:53 हो रहे हैं अभी, यार ऑफकोर्स रात रात को अगर वीडियोस बने तो कुछ एटलीस्ट थोड़ी सी जिद बना के रखो। तो ये लोग देखिए अपने आप से झूठ ना बोलें, मंथली टारगेट को सेट किया है, इसको बस बीट द टारगेट करें और कुछ नहीं है, और टाइम टेबल को रिलीजली फॉलो करें तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे पॉजिटिव आउटकम्स आपको निकलेंगे जब आप प्रिलिम्स देखे भर आएंगे। मुझे रोमन भाई की मेल आई है कुछ इससे रिलेटेड, कुछ म्यूचुअल पार्टनरशिप से रिलेटेड मुझसे वो करना चाहते थे, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि देखिए मैं रोमन सैनी के आगे एक तिनका भी नहीं हूँ, और मैं अपनी फील्ड के अंदर अकेला ही थोड़ा बढ़ना चाहता हूँ। जितना मेरे से सोशल कंट्रीब्यूशन हो पाएगा तो मैं उसको बस मैं करना देना चाहता हूँ, जितना मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट जो बन पाता है। तो मैं रोमन सैनी सर की जगह तो नहीं ले सकता, ना मैं उनसे पार्टनरशिप करने की मेरी ना ही औकात है भाई। हाँ ये बोलूँगा कि सर थैंक यू फॉर दैट, और जैसे आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं तो जैसे एक तिनका हूँ और कुछ नहीं। तो मेरी एक मेल आईडी है, कुछ लोगों को टाइम टेबल से कुछ रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं, डाउट्सफुल हैं, तो आप मुझे ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप मुझे जस्ट upsexam@gmail.com पे आप मुझे जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। देखिए गाइस नेक्स्ट प्रिलिम्स जो होगा 3 जून 2018 से होगा, और मेंस कुछ 1 अक्टूबर के आसपास है। देखिए मैं ये बोलूँगा, देखिए ये जो अप्रोच मैंने ले रखी है टाइम टेबल की, वो हमें जो ले रखी है वो प्रिलिम्स कम मेंस के हिसाब से ले रखी है, तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल को एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। मेरा जैसे यहाँ पे प्रोवाइड आइडिया ही है कि मैं आप लोगों को जैसे एक आइडिया भी प्रोवाइड करा सकूँ, दैट्स ऑल, मेरे तरफ से यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखिए यार हार्डवर्क करना है, इसमें दो राय नहीं है। 8 मंथ के टाइम टेबल आपको अगर मिल रहा है, अगर आपको स्टडी करनी है दिन रात, अच्छी वाली स्टडी करनी है, तो देखिए स्मार्ट वर्क भी लेना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क भी लेने के साथ साथ फिर एक डिसिप्लिन का एक फिलॉसफी भी मेरी तरफ से जुड़ती है। मेरे खुद के अपने फंडे हैं कि देखिए डिसिप्लिन होना भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि स्टडी कर रहे हैं, बगल में व्हाट्सअप चल रहा है, फेसबुक चल रहा है और फिर मस्तियाँ चल रही हैं, तो देखिए उस चीज़ का फ़ायदा नहीं। मैं जिस लाइब्रेरी में, ट्रस्ट में, जिस लाइब्रेरी में बैठता हूँ उसमें कोई 30-32 सीटिंग है, जिसमें से मैंने खुद ऑब्जर्व करता हूँ कि 20-22 बंदे तो बस वो फेसबुक हो गया और इसी में मोबाइल्स में घुसे रहते हैं, पर जो सीरियस बंदे कुछ ही होते हैं। बिकॉज ऑफकोर्स बिकॉज 10 लाख की फील्ड में ही कुछ लोग आगे निकलते हैं, तो वो सीरियसनेस आपको दिखानी पड़ेगी। आप कीजिए, आपको लगता है कि आपको जब फ्री टाइम मिले तो आप बेझिझक कीजिए, कोई इशू नहीं, बट कोशिश करें यूपीसी की जर्नी के अंदर इस चीज़ को जितना अवॉइड करें उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो HSD फंडा मेरी तरफ से। देखिए
स्टार्ट करने से पहले सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, हाँ भी क्या चीज़ें क्या नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, किस तरह क्वेश्चन आते हैं, ये सबको डाउनलोड सिलेबस करें, बाय करें या डाउनलोड करें जहाँ से ऑनलाइन मिल सकता है आपको। 20 ईयर्स के प्रीवियस पेपर लें, दिशा का इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है, न्यू विशाल का सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आता है। और कुछ लोग जो सोचते हैं कि नहीं यार मैं विलेज में हूँ, मैं दिल्ली नहीं आ सकता, बहुत मुश्किल है, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे भी यहाँ पे जो पिन कोड डालते हैं तो अनडिलीवर आता है, तो गाइज आप mynotesguru.in पे जाके चेक कर सकते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको कुछ जो भी है आपको सजेशंस है वो आपको दे देंगे, या फिर आपके घर जो कोरियर पार्सल करना वो कर सकते हैं। देखिए लेट्स स्टार्ट विद द टाइम टेबल फर्स्ट। देखिए टाइम टेबल कैसा बनेगा, टाइम टेबल कुछ 11 घंटे का होगा, पर घबराने की जरूरत नहीं है 11 घंटे के यार ऐसा कुछ नहीं है, देखिए हुआ नहीं है, देखिए ध्यान से देखिए, तो ये मैंने 2 घंटे न्यूज़पेपर को भी जोड़ रखा है, सेट टू सेट देखिए मैंने 2 ओवर आपके ऑप्शन सब्जेक्ट्स को भी जोड़ रखा है, आपको जीएस मेंस को भी मैंने जोड़ रखा है, देख कंप्लीट पैकेज जोड़ रखा है मैंने, तो जिस वजह से 11 घंटे का टाइम टेबल बनता है। अगर आप 2 घंटे न्यूज़पेपर को हटा दें, ऑप्शन को हटा दें, तो यार ओवरऑल अगर आप देखें तो कुछ नॉर्मली वही 7 घंटे के आसपास ही टाइम टेबल बन रहा है, तो ऐसा कुछ है दिन में 7 घंटे अगर आप न्यूज़पेपर अगर आप ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं तो 7 ही घंटे होते हैं, तो ये मैंने इंक्लूड किया था, इसी वजह से घबराने की जो है कोई बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ और देखिए, ये टाइम टेबल मैंने पूरा जो अभी जो मैंने बनाया ये पूरा का पूरा आपका देखा जाए तो ये अप्रैल तक चलेगा, कुछ सेम फॉर्मेट आपका 1 अप्रैल तक यही चलेगा टाइम टेबल, लेकिन जब सॉरी 31 मार्च तक चलेगा, जब आपका 1 अप्रैल और मई आ जाए, क्योंकि जून में पेपर होगा तो फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे तिकड़मबाजी ये करनी पड़ेगी। देखिए 3rd और 4th shift जो आप देख रहे हैं ना, ये 3rd और 4th shift जो 2 आवर की न्यूज़पेपर है, नोट मेकिंग और 2 आवर का ऑप्शन सब्जेक्ट है, इसमें आप क्या करेंगे, देखिए 3rd shift नोट मेकिंग और ये जो आपका जो सिस्टम ये पूरा का पूरा जो चलेगा, यहाँ पे आपको 1 अप्रैल से जो है ये 4th और 5th shift यानी कि जीएस मेंस की स्टडी बंद कर देना और ऑप्शन स्टडीज़ जो है आप ये 1 अप्रैल से बिल्कुल बंद कर दें, फिर यही टाइम को आप यूटिलाइज करेंगे सी सेट के अंदर, आपको करंट अफेयर के अंदर जो भी आपने करंट अफेयर पढ़ने हैं, जो रिवीजन करने, ये टाइम वहाँ यूटिलाइज होगा। और शिफ्ट 3 जो होगी इसके अंदर जो न्यूज़पेपर है, ऑफ कोर्स 1 महीना पहले आप न्यूज़पेपर बंद करेंगे, तो 1 मई से फिर आप इसको बंद करके फिर आप करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज और दुनिया भर की जो जो सारी सारी चीज़ें जो आपकी चीज़ें जो बैकलॉग्स में चलेंगी आप उसको कवर करने की, तो ये टाइम टेबल अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। देखिए ये पॉसिबल तो नहीं है, बिकॉज अब थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट मैं आपको दे दिया, हिंट दे दिया है, बाकी आप फिलअप आपको करना है, बस मैंने जस्ट यहाँ पे यही बोलने की कोशिश जो करूँगा। देखिए साइड टू साइड ये बोलूँगा, देखिए व्हेन शिफ्ट 4 और 5 विल बी रिमूव यू विल बी हैव मोर टाइम फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज, ऑफकोर्स जब आप 4th और 5th shift जब आप खत्म करेंगे तो डेफिनेटली आपको देख रहे हैं जैसे कि 4th और 5th shift खत्म करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, अगर देखा जाए तो 3.5 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे ओवरऑल, तो उसमें आप फिर टेस्ट सीरीज जो भी आपको मन करता है वो चीज़ें देखिएगा, और साइड टू साइड यू कैन गिव मॉक टेस्ट और सी सेट भी लगाएं, ये मैंने सी सेट के लिए भी स्पेशल टाइम टेबल बना रखा है इसके अंदर, और टेस्ट सीरीज एडजस्ट टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू यू, और से रिलेटेड जो बुक लिस्ट मैंने आपको पहली वीडियो में दे रखी है, इससे पहले वाली वीडियो में भी प्लीज़ देख लीजिएगा, उसमें मैंने A to Z जो है बुक लिस्ट को मैंने डाल दी है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको सारी सारी जो चीज़ें हैं जो कंसेप्ट हैं जो बिल्कुल जो है क्लियर हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था से रिलेटेड, हिंदी में कहते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के लिए। एक ही बुक है रामबाण है जिसको कह सकते हैं लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत के बगैर पॉलिटी के क्वेश्चंस होने बहुत मुश्किल हैं, सच बताएं काफ़ी मेहनत करी है लक्ष्मीकांत सर ने। तो देखिए 1st shift के अंदर यही है कि देखिए 2 आवर की NCERT कम अगर देखा जाए स्टैंडर्ड बुक्स लेके चलना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ डिफरेंसेस दिखाना चाहूँगा कि SSC और UPSC में क्या फ़र्क है या फिर PCS में क्या फ़र्क है। देखिए UPSC में और SSC के क्वेश्चन, देखिए अगर आप SSC PCS क्वेश्चन देखें तो मैक्सिमम जो इधर डायरेक्ट पूछे जाते हैं, लाइक भाई बजट कौन से आर्टिकल में आता है, तो नन है, 112 है, 265 है, और इसका ये आपके लिए MCQ मेरी तरफ से भी। और देखिए अगर UPSC में तो चीज़ें एनालिसिस करने के आते हैं, आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, आप शॉर्टकट लेंगे तो फिर क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे, तो जिस वजह से आपको डीप में स्टडी करनी है और एनालिटिकल स्टडी करनी है कि हाँ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द साइलेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आर ऑल इंडिया फेडरेशन प्रोविजन ऑटोनॉमी टेरिटरी एट द सेंटर एबोल्यूशंस ऑफ इंडियन काउंसिल, तो ये कुछ मैंने कोड्स दे रखे हैं, आप उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, वो कमेंट में भी डालने की कोशिश कीजिएगा। देखिए न्यू NCERT के लिए 2 ही बुक इंपॉर्टेंट है फॉर द 8 मंथ्स के लिए, एक 11th क्लास की NCERT जिसको पॉलिटिकल साइंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है, और NCERT की जो क्लास 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको NCERT से रिलेटेड आपको मिल जाएगा, तो ये तो पढ़नी पड़नी है बॉस, लेकिन कितने दिन में पढ़नी है, टारगेट क्या सेट किया है मैंने, देखिए टारगेट ये है कि ओवरऑल अगर देखें कि इसके अंदर आप जो करेंगे 20 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे
अक्टूबर तक चलेगा, यानी कि आपको 11 दिन के अंदर ये दो एनसीईआरटी खत्म करनी है, 2 घंटे का स्लॉट होगा। अगर कुछ रह भी जाता है तो उसको अपने स्ट्रेच करके करेंगे, बिकॉज ये टारगेट मैंने सेट किया है और हो सकता है इजिबल है, आराम से हो जाता है। अगर आप 2-2 घंटे भी पढ़ेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें जो है कर सकते, बिकॉज आपको ये देखना है कुछ चैप्टर पढ़ने हैं कुछ चैप्टर नहीं पढ़ने, यानी कि पूरी फर्स्ट बुक से लेकर एंड बुक तक नहीं पढ़नी, अपने सिस्टमेटिक हिसाब से आपको जो है आगे चलना है। तो ये बुक आराम से हो सकती है और इसको मैं आपको काफ़ी सारे बेसिक टर्म्स मिलेंगे, कुछ अंडरलाइंस कर लीजिएगा आपका काम हो जाएगा। इसी जैसे गाइस 1 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर यानी 40 दिन है लक्ष्मीकांत के लिए, पूरी बल्कि बुक को ख़त्म करने 40 दिन लगेंगे, कितना भी आप जोर लगाएंगे तो 35 to 40 days तो लगते ही लगते। तो मैंने 40 days मैक्सिमम रखा अपनी तरफ से अगर देखा जाए ओवरऑल। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर टू टिल बिफोर प्रेसिडेंट से एक स्लॉट्स में लेंगे, इसमें आपको मैक्सिमम जो फोकस मोर ऑन द DPSP फंडामेंटल राइट्स पे ज़्यादा फोकस करना है जितना हो सके, और इसी से रिलेटेड और मेक कंसाइज नोट्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ DPSP, और इसी से रिलेटेड आपको फिर अमेंडमेंट सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप को भी आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, बिकॉज इससे भी जो है क्वेश्चंस बनने की उम्मीद होती है। तो आप इसको जो है 1 से लेकर 10 तारीख तक यहाँ पे जो है बिल्कुल जो है ख़त्म करने की कोशिश करेंगे गाइज। इसी के जैसे फिर आप प्रेसिडेंट देखिए डेट्स मैंने सेम रखी हैं, लेकिन आपको जो ओवरऑल अगर मोटा मोटा जो टारगेट अगर मैं बताऊँ तो देखिए ये आपका 20 अगर देखें आप 1 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक, तो डेट्स नहीं रखी मैंने, बस ओवरऑल मैंने आपको चीज़ें समझाई कि हाँ 40 दिन के अंदर फिर आपको नेक्स्ट स्लॉट में प्रेसिडेंट टू PR बनाएंगे 85 राज, इसमें आपको एक्सट्रीमली हॉट टॉपिक्स मिलेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो फोकस मोर ऑन द कंसेप्ट क्लैरिटी जितना ज़्यादा हो सके, आपको जितने ज़्यादा अगर हो सकते तो कंसाइज फॉर्म में, बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में 5 से 6 पेज के अंदर जो आप चीज़ें भूल रहे हैं उनके आप नोट्स भी बनाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है क्लियर करने की आप कोशिश करें। इसी के जैसे गाइस फिर इसके बाद रिमेनिंग चैप्टर फिनिश ऑल बुक, फिर उसके बाद कुछ बचता है नहीं PR के बाद, फिर एक झटके में सारी चीज़ें खत्म होती है। लाइक 20 चैप्टर आपसे 3 दिन के अंदर खत्म कर लेंगे, लाइक ह्यूमन राइट कमीशन का, UPSC का, स्टेट PCS का, इलेक्शन कमीशन का, ये तो एक पेज के चैप्टर हैं, तो आप काफ़ी सारे चैप्टर आप एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो है 40 दिन के अंदर जो है ओवरऑल जो है चीज़ें जो है खत्म हो जाएंगी गाइस। इसके बाद फिर 11 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर, अब 20 दिन में आपको रिविजन करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ आपने देखिए जब आप चीज़ें पढ़ते हैं तो 50% तो वैसी मतलब बेकार हो जाती है, अगर ओवरऑल बात करें तो 50% चीज़ जो है क्रीम जो है बचती है। तो उसके लिए फिर आप FR, DPSP, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, प्रेसिडेंट टू PR, कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, दीज आर द वेरी एक्सट्रीमली हॉट टॉपिक्स नाउ दीज डेज, तो इन्हीं पे ज़्यादा फोकस करेंगे और आपकी जो सेकंड टाइम जो है लक्ष्मीकांत जो है फिनिश हो जाएगी गाइज। इसके बाद देखिए अभी फर्स्ट शिफ्ट ही चल रही है अब, क्योंकि देखिए शिफ्ट में ये भी रीज़न है कि कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं दिन में पढ़ते हैं, कुछ एस्पिरेंट रात में पढ़ते हैं, तो मैं तो देखिए शिफ्ट दिखा सकता हूँ, टाइम तो मैं नहीं दिखा सकता। तो देखिए 1 जनवरी से लेके फिर 15 फेब ज्योग्राफी आप स्टार्ट करेंगे, लेट्स स्टार्ट विद द ज्योग्राफी। देखिए ज्योग्राफी के अंदर 6 से लेके 12th क्लास की ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, कुछ एस्पिरेंट्स कहते हैं नहीं 9 से लेके, कुछ कहते हैं 11 से। देखिए टू बी फ्रैंक 6, 7 और 8 से भी डायरेक्ट क्वेश्चन UPSC में आए गए हैं, तो आप हल्के में नहीं ले सकते। तो एटलीस्ट 6 से लेके 8th क्लास की रीडिंग को 1 से 2 बार रीडिंग जरूर माना ताकि क्वेश्चन हो सकें, बाकी हाँ 9 से लेके 12th क्लास की प्रीलिम्स तक तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो इसके लिए क्या है तिकड़मबाजी, देखिए सिंपल सी बात है, शिफ्ट फर्स्ट के लिए अगर बात है 45 दिन में आपको ख़त्म करनी है 46 दिन में, बिकॉज 31 का महीना है। तो देखिए ज्योग्राफी 6th क्लास की 3 दिन में ख़त्म करें, पतली सी हो जाएगी। इसी तरह आपकी अगर बात करें 11th क्लास की अर्बन इन्वायरमेंट 3 दिन में, इस तरह रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट 4 दिन में, ज्योग्राफी जो है 9th क्लास की 5 दिन, फिर 5 दिन, इस तरह से स्लॉट जो है चलेंगे। फिर इसी तरह का इस 6 दिन 6 दिन 6 दिन और 6 दिन, ये ओवरऑल आप NCERT जो है बिल्कुल ख़त्म करने की जो है यहाँ पे कोशिश करेंगे 11th से लेकर 12th क्लास तक। स्ट्रेस करेंगे बिकॉज टाइम कम है और आपको ज़्यादा मेहनत यहाँ पे जो है करनी पड़ेगी। इसी तरह इस शिफ्ट फर्स्ट में फिर अगेन 16 फेब से लेकर 28 फेब तक आप इंग्लिश मीडियम GC लॉन्ग बुक लगाएंगे, प्लस मृणाल की GO PPT को डाउनलोड करेंगे, उसको आप देखने की कोशिश करेंगे। हिंदी मीडियम वाले महेश बनवाल की बुक लगाएंगे, इसमें आप फिजिकल टॉपिक और USA प्लस चाइना और यूरोप की जो कंट्री जो से रिलेटेड काफ़ी सारी फैक्चुअल टाइप इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बस वही पढ़ना है सच बताएं तो, और कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, बिकॉज ऑलरेडी NCERT ने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी है। काफ़ी मैक्स एस्पिरेंट्स ने मेरे पास मेल साइज पे होता है हिंदी मीडियम कि सर क्या है समझ नहीं आ रहा, देखिए NCERT ने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी है, तो बेटर है कि महेश बनवाल से फिजिकल टॉपिक्स ही पढ़ें, शॉर्ट कंसाइज फॉर्म में ही दे रखे हैं, ओल्ड NCERT को कॉपी पेस्ट मार रखा है इन्होंने भी, और USA प्लस चाइना प्लस यूरोप को आप इसको थोड़ा देखें तो आपको थोड़े जो कंसेप्ट हैं वो ज़्यादा मैक्सिमम जो है क्लियर होने की यहाँ पे कोशिश होंगे गाइस। इसी के जैसे देखिए रिवीजन फिर करेंगे आप 1 मार्च से लेके 20 मार्च से लेके 12th क्लास के NCERT, फिर फाइनली हमारी जो 2 बार जो अभी तक मार्च तक 2 बार की हमारी जो NCERT विद स्टैंडर्ड बुक जो आपकी जो है कंप्लीट हो जाएंगी। इसी की जैसे गाइज फिर देखिए शिफ्ट फर्स्ट में फिर अगेन लक्ष्मीकांत लाए भी, और लक्ष्मीकांत भी बैक टू बैक रिवाइज माना बहुत जरूरी है, तो जिस से 21 मार्च से लेकर 7 मार्च तक 3rd रिवीजन करेंगे,
बिकॉज देखिए फर्स्ट रिवीजन जब आप पहली बार रीडिंग करते हैं तो देखिए किसी भी सब्जेक्ट को अगर रीडिंग करते हैं लेट्स सपोज 30 डेज लगते हैं, सेकंड रिवीजन करते हैं तो उसी सब्जेक्ट्स को आप करेंगे तो 20 डेज लगते हैं, थर्ड बार करेंगे तो उसी सब्जेक्ट को 15 दिन लगते हैं, फोर्थ बार करेंगे तो उसी टाइम को फिर हो सकता है आपको 14 दिन या 12 दिन लगे, तो बस 12 दिन से ऊपर नहीं जाएगा। तो हाँ मिनिमम 12 दिन तो 12 दिन तो लगेंगे रिवीजन, बिकॉज रिवीजन में चीज़ हमें पता होती है क्या चीज़ फिल्टर करनी है, क्या चीज़ हमें पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, तो जिस वजह से यहाँ पे दिन फिर धीरे धीरे कम होते जाते हैं। फिर जियो की इसी तरह न्यू एनसीईआरटी 9 से लेकर 12th क्लास पर स्टैंडर्ड बुक आप खत्म करेंगे 8 अप्रैल से लेकर ये 25th अप्रैल तक चलेगा, और ये यहाँ पे जो है थर्ड टाइम जो है बेसिकली जो है फिनिश यहाँ पे होगा। गाइज इसी के जैसे फिर अगर ओवरऑल अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं देखिए, फिर इसमें लक्ष्मीकांत आप उठाएंगे, फिर इसी के जैसे 26 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक फोर्थ रिवीजन मारेंगे, और ज्योग्राफी 6 से लेकर 12th क्लास के एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक आप 4th 10th में से लेकर 20 में तक मारेंगे, और आराम से हो जाएगा बिकॉज मैक्सिमम चीज़ें आपको पता होती हैं। सच बताएं तो देखिए 12th क्लास की एनसीईआरटी एक दिन में भी खत्म हो जाती है, अगर आपने अंडरलाइन चीज़ें कर रखी हैं, अगर आपको पढ़ना है 2 से 2.5 घंटे के अंदर आराम से खत्म हो जाती है, अगर आप करने वाले स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए। इसी की जैसे गाइस 25th मई से लेकर 26 मई तक फिर अगेन जियो की एनसीईआरटी 11th और 12th क्लास की सिलेक्टेड चैप्टर्स करेंगे, ये आपका 5 टाइम यहाँ पे रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह इसी की जैसे 27th मई से लेकर 2 जून तक लक्ष्मीकांत फिर फिनिश करेंगे, और आपके 5 टाइम जो है सिलेक्टेड चैप्टर कंप्लीट करेंगे, यानी कि आपको FR DP SP प्रेजिडेंट टू PIR और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी पे सबसे ज़्यादा जो फोकस करें, तो आपको ऐसे ये आपके 5 टाइम जो है रिवीजन 5 दिन से 6 दिन के अंदर आपकी जो है कंप्लीट हो जाएगी, जो सिलेक्टेड टॉपिक्स बिल्कुल सिलेक्टेड जिसको बोल सकते हैं। गाइस इसी के जैसे देखिए शिफ्ट 2 में चलते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द शिफ्ट 2 फर्स्ट। देखिए शिफ्ट 2 में अगेन 2 आवर्स मैंने एनसीईआरटी बुक्स का स्टैंडर्ड बुक्स कर रखा है। देखिए सेकंड शिफ्ट के अंदर ये बोलूंगा देखिए 20 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, आपको स्टार्ट करना है स्पेक्ट्रम से उसी दिन जब आप लक्ष्मीकांत उठाएंगे यानी एनसीईआरटी उठाएंगे, तो आपको स्पेक्ट्रम डायरेक्ट उठाइए बिकॉज टाइम कम है, अगर आप एनसीईआरटी में घुसेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, और स्पेक्ट्रम अब बिल्कुल कंप्लीट बुक हो गई है। अगर बात करते हैं एक स्पेक्ट्रम बुक से काफ़ी सारी चीज़ें 90% चीज़ें आप निकाल सकते हैं, तो अगर 10 में से 9 क्वेश्चन भी बन रहे तो बुरा नहीं है, एक क्वेश्चन छोड़ें यार इतने इसके पीछे इतना ना भागें बिकॉज फिर टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। तो देखिए चैप्टर 1 1 डे में करना है आपको 20 से लेकर 27 अक्टूबर तक के जो टारगेट्स हैं, चैप्टर 2 2 डेज में, चैप्टर 3 1 डे में, इसी तरह फिर चैप्टर 4 3 डे में, चैप्टर 5 1 डे में। तो ये ओवरऑल आपका देखा जाए तो कुछ ये आपका 27 अक्टूबर तक का आपका जो है 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह 28 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर तक ये आप जो कंप्लीट करेंगे चैप्टर 6 से लेकर 1947 तक का, और बाकी का जो पीछे के चैप्टर बचते हैं फिर साइड टू साइड वो आपको 10 दिन में कंप्लीट करेंगे, तो फिनिश आपकी फर्स्ट टाइम हो जाएगी 18 नवंबर तक अगर बात करें तो। इसी जैसे गाइस शिफ्ट 2 में फिर आप स्टार्ट करेंगे रिवीजन स्टार्ट करेंगे दोबारा से स्पेक्ट्रम की, सेकंड टाइम रिवीजन होगी 18 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक जो है चलेगी। इसी तरह गाइस शिफ्ट 2 में 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक स्टार्ट विद द एशियन हिस्ट्री 11th क्लास से लेकर तमिलनाडु की बुक आपको खत्म करनी है स्पेशल विद इंग्लिश मीडियम। देखिए अब यहाँ पर रीज़न है, या तो आप एशियन हिस्ट्री पढ़ें 11th क्लास की या फिर तमिलनाडु की बुक पढ़ें, इनमें दोनों में से भी कोई भी एक पढ़िए, ये नहीं कि दोनों मत पढ़ने की कोशिश करें, टारगेट भी को ओवरलैप हो जाएंगे, तो बेटर है कि आप 15 दिन तक आप जो है इन दोनों में से कोई भी एक बुक पढ़ें। हिंदी मीडियम वालों के लिए देखिए ये बोलूँगा कि अब वो भी यही पढ़ेंगे, एशियन हिस्ट्री की 2 बुकें आती हैं मिडिवल और ये हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप नितिन सिंह की बुक लगाएंगे 15 डेज के लिए 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। फिर गाइज देखिए शिफ्ट 2 से लेके 1 जैन से लेके आपको फिर 20 जैन तक फिर अगेन रिवीजन करनी ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास की प्लस आपको नितिन बुक और ओल्ड एंसिड इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तमिलनाडु की बुक, यानी ये आपका सेकंड टाइम ओवरऑल जो आपका रिवीजन हो जाएगा अगर बात करें तो। फिर शिफ्ट 2 में अगेन 21 जैन से लेकर 15 फेब तक देखें तो शंकर आई स्किन वार्मेंट बुक लगाएंगे, फर्स्ट रिवीजन चलेगी हमारे यहाँ पे बिकॉज जैन आ गया है तो हमें इन्वायरमेंट की तरफ भी थोड़ा देखना पड़ेगा, हमने पत्ते जो है खोलने पड़ेंगे, तो इंग्लिश मीडियम से आप यहाँ इससे रिलेटेड ये पढ़ेंगे। और हिंदी मीडियम वाले दृष्टि प्लस लूसेंट इन्वायरमेंट का एक टॉपिक है पॉल्यूशन, वो आप वहाँ से वो चीज़ें उठाएंगे बिकॉज लूसेंट में काफ़ी अच्छा कवर कर रखा है, और फर्स्ट टाइम जो आपकी फिनिश हो जाएगी इन्वायरमेंट ओवरऑल अगर बात करें तो। शिफ्ट 2 में अगेन गाइस 16 फेब से लेकर 18 फेब से सेकंड टाइम रिवीजन करेंगे, ये कुछ आपको देखा जाए तो 14 दिन है, तो 14 दिन में आराम से शंकर आईएएस की काफ़ी चीज़ें हैं जो है रिवाइज हो जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल एजिबल भी हैं, तो आप ये सारी चीज़ जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह गाइस 1 मार्च से लेकर 25 मार्च तक आप फिर स्पेक्ट्रम ओल्ड एनसीईआरटी तमिलनाडु की बुक नितिन की बुक 25 दिन के अंदर आपको थर्ड रिवीजन कंप्लीट करनी है किसी भी हालत में आप, बिकॉज कंसाइज फॉर्म में हो जाता है ये चीज़ें और आराम से सारी की सारी जो है चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। इसी तरह गाइस सेकंड शिफ्ट में अगेन 26 मार्च लेके 8 अप्रैल तक आप इन्वायरमेंट की बुक को जो है थर्ड टाइम फिनिश करेंगे, और ये टारगेट मेरी तरफ से इन्वायरमेंट की बुक बहुत मीडियम के लिए यानी कि दृष्टि लूसेंट और या फिर शंकर आईएएस।
इसी के जैसे गाइस शिफ्ट 2 में फिर आप 8 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक स्पेक्ट्रम और ओल्ड एनसीईआरटी सब कुछ आप फिनिश करेंगे। फोर्थ रिवीजन हमारे यहाँ पे जो कंप्लीट हो जाएगी शिफ्ट 2 के अंदर। फिर शिफ्ट 2 के अंदर अगेन 27 अप्रैल से लेकर 7 मई तक आप रिवीजन की करेंगे आप इन्वायरमेंट की बुक, ये आपको फिनिश करेंगे बैक टू बैक। इसी के जैसे गाइस शिफ्ट 2 में अगेन 8 मई से लेकर 20 मई तक फिर स्पेक्ट्रम ओल्ड एनसीईआरटी ये सब कुछ खत्म करेंगे। यहाँ पे हमारी फिफ्थ रिवीजन हो जाएगी 20 मई तक। फिर इसके बाद 20 मई से लेकर 20 जो आपका 7 मई तक आप इन्वायरमेंट की जो बुक कंप्लीट करेंगे फिफ्थ रिवीजन आपका यहाँ पे जो है ओवरऑल जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसी के जैसे गाइस फिर शिफ्ट 2 में ही आपको 28 मई से लेकर 2 जून तक सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट। लाइक अगर बात करें तो 1857 से लेकर 1947 तक का मैक्सिमम पार्ट आपको पढ़ना है और उसमें सेलेक्टेड चैप्टर ही पढ़ेंगे और आपका सिक्स रिवीजन आपका जो ओवरऑल जो है कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। बिकॉज मैक्सिमम कुछ चांसेस होते हैं कि यहीं से जो है क्वेश्चन उठाए जाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द शिफ्ट 3rd। फिर देखिए 3rd शिफ्ट अगेन 2 आवर्स न्यूज़पेपर और नोट मेकिंग है। देखिए ये आपका ओवरऑल चलता रहेगा अगर देखें तो ओवरऑल ये आपका 1st मई तक चलाना है आपको कि बिकॉज आपको न्यूज़ करंट अफेयर्स काफ़ी मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें GS2 और GS3 की बात करें तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रखता है मेन से रिलेटेड। 500 मार्क्स की वेटेज भी बहुत ज़्यादा होती है तो जिस वजह से आपको न्यूज़पेपर को हल्के में नहीं लेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए गाइस शिफ्ट 4 के अंदर अगर बात करें तो देखिए शिफ्ट 4 अगेन यही 2 आवर ऑप्शन सब्जेक्ट। मैं आपको ये बोलूँगा कि देखिए ऑप्शन सब्जेक्ट 1st अप्रैल से बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जिसको नहीं पता हाउ टू चूज़ ऑप्शन सब्जेक्ट आप मेरी प्लेलिस्ट में वीडियोस देख लें, आपको सारी सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट नहीं चुनना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद 6th 5। देखिए 5 में यही बोलूँगा देखिए कि 1.5 घंटे का GS मेंस भी रखा है मैंने। बिकॉज कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री एथिक्स या सिक्योरिटी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको NCERT में कवर प्रीलिम्स में तो कवर नहीं आते लेकिन मेंस में ज़्यादा आते हैं। तो इसके लिए मैं ये बोलूँगा देखिए गाइस शिफ्ट 5th के लिए आप 20 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक आप वर्ल्ड हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी में तो कोई भी एक पढ़िएगा। फिर 6 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक इथिक्स वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी में कोई भी एक पढ़िएगा। 28 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर 2017 तक आप कुछ भी IER सोसाइटी डिजास्टर मैनेजमेंट ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और 1 जैन से लेकर 15 जैन तक आपको एजुकेशन सोसाइटी और हेल्थ से रिलेटेड पढ़ना है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे रिवीजन मारेंगे बैक टू बैक साइड टू साइड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। योजना RSTV PIB के जो भी छोटे मोटे आपको आर्टिकल्स मिलते हैं जो उसे कलेक्ट करते हैं तो उनको आप कंसाइज फॉर्म में जरूर लिखने की कोशिश कीजिए ताकि आपको सारी सारी चीज़ जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसी जैसे गाइस शिफ्ट 6th में चलते हैं आगे। देखिए शिफ्ट 6th फाइनल शिफ्ट हमारी या हमारी 1.5 घंटे की NCERT कम स्टैंडर्ड बुक है। देखिए इसमें मैं आप लोगों को यहाँ पे देखिए यही बोलूँगा कि इकोनॉमिक में देखा जाए कि 9th और 10th क्लास की मैंने ऑलरेडी वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ कि 10th क्लास की NCERT भी मैं विद इन 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम 11th 12th और ये सारी सारी चीज़ चलेंगे। आप मेरी कुछ वीडियोज़ भी फॉलो कर सकते हैं फिर मोनाल भाई की वीडियोज़ भी देख सकते हैं बहुत स्टैंडर्ड वीडियोज़ बना रखी उन्होंने भी। तो इसके लिए ये बोलूँगा देखिए गाइस NCERT आपको सिर्फ 11th और 12th क्लास की ही पढ़नी है अगर ओवरऑल देखें 8 मंथ का अगर आप टारगेट लेके चल रहे हैं। इसके लिए डेवलपमेंट बुक आती है प्लस डेवलपमेंट की वो बुक 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक ये आपको 14 दिन के अंदर जो है फिनिश करनी पड़ेगी। इसी जैसे गाइस 4th नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आपको रमेश सिंह बुक लेनी है बल्कि एडिशन है 9th एडिशन आ चुका है मार्केट के अंदर तो वो लगाएंगे और आपका काम यहाँ पे जो है ओवरऑल हो जाएगा। इसी जैसे गाइस 10 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक रमेश सिंह का दोबारा रिवीजन मारेंगे और आपका देखा जाता है कि 21 दिन के अंदर आप जो है बड़े प्यार से रिवीजन कर सकते बिकॉज आधा पार्ट अगेन रमेश सिंह से स्किप हो जाएगा तो ये आपका जो है काम हो सकता है। इसी जैसे गाइस 1st जैन से लेकर 20 जैन तक रमेश सिंह को अगेन आप रिवाइज करेंगे बैक टू बैक रिवाइज चलेगा और 3rd टाइम आपकी रिवीजन हो जाएगी तो आपके सॉलिड एक प्रूफ इकोनॉमिक के अंदर आपका बन जाएगा। CSAT फिर आप लगाएंगे 31 जैन से लेकर 15 फेब तक मैथ्स रीजनिंग और एक्सेट्रा करेंगे। मैथ्स के लिए वही इंग्लिश मीडियम के लिए RS अग्रवाल हिंदी मीडियम वालों के लिए भी RS अग्रवाल रीजनिंग के लिए अजय चौहान की बुक हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए या फिर RS अग्रवाल या फिर कंप्रेशन के लिए आप कोई भी आपको लगता है कि स्टैंडर्ड बुक आप खरीदना चाहते हो आप खरीद लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसी की जैसे गाइस 16th फेब से लेकर 20 फेब तक डिपार्टमेंट प्लस रिपोर्ट चेक माय वीडियोस इन द प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा आपको वहाँ से इसका एक शॉर्ट नोट बना दिया 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं हर साल आते हैं। इसी जैसे गाइस 31 फेब से लेकर 10 मार्च तक फिर आप रमेश सिंह की 4th टाइम रिविजन करेंगे और वो काम यहाँ पे हो जाएगा। इसी जैसे गाइस 11th मार्च से लेकर 25 मार्च अगेन इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट पढ़ेंगे पूरा का पूरा क्योंकि मैंने यहाँ पे आप देखें तो मैंने पूरे के पूरे 15 दिन रखे हैं तो इकोनॉमिक सर्वे बजट आप हल्के में नहीं लेंगे। फिर आप रिवाइज मारेंगे बैक टू बैक सेकंड टाइम आपकी जो है यहाँ पे जो है ओवरऑल जो इकोनॉमिक सर्वे ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे जो है आपका फिनिश यहाँ पे हो जाएगा। इसी जैसे कि 6th अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक रमेश सिंह को 5th टाइम रिवाइज मारेंगे और वह काम यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसी की जैसे 21st अप्रैल से लेकर 5th मई तक आप बायो के NCERT पार्ट पढ़ेंगे लास्ट में 6th से लेकर 10th क्लास की 11th और 12th क्लास के एडिशनल चैप्टर्स भी पढ़ेंगे और रिवीजन 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 चलेगा 6th मई से लेकर 20 मई तक।
बिकॉज आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी बचेगा, जहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था स्लॉट के अंदर जब आपका न्यूज़पेपर हटेगा, ऑप्शन हटेगा, तो वहाँ से आप उस टाइम को कंज्यूम करके आप एनसीईआरटी पे ज़्यादा यहाँ पे फोकस करेंगे। इसी जैसे गाइस लास्ट है जो 21 मई से लेकर 30 मई तक, आप 9 दिन में अफेक्टेड पार्ट को बिल्कुल रमेश सिंह को जो है बिल्कुल फिनिश करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, और 31 मई से लेकर 2 जून तक आप इकोनॉमिक सर्वे दोबारा से एक बार क्विक रिविजन मारेंगे तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। तो गाइस ओवरऑल मेरे तो पूरा कंप्लीट टाइम टेबल था, बाकी रेस्ट आप मुझे कमेंट में दे दीजिएगा। तो थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।